राष्ट्रीय राजमार्ग 29 की बदहाली को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र शुक्ल के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ अनेकों बार आंदोलन कर जिम्मेदार अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। NH-29 पर गड्ढे और कीचड़ में गिरकर लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कार्यदायी संस्था की लेट लतीफी भी लोगों की जान पर आफत से कम नहीं है। अगर समय रहते NH-29 के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीचंद्र शुक्ला ने बताया, हम आपको बताते चले कि यहाँ हम खड़े हैं गोरखपुर से वाराणसी मार्ग NH-29 पर। यहाँ पर जो है रोड का हालत एकदम से बद से बदतर हो चुका है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन कई बार आंदोलन कर चुका है, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि जो है ठेकेदारों को सबक सिखाया जा सके। NH-29 के ठेकेदार एकदम से बायसर और मनबड़ हो चुके हैं। ये आते हैं रोड को उखाड़ के चले जाते हैं और रोड पर जो है सनी हुई गिट्टी मिट्टी से सनी हुई गिट्टी डाल के चले जाते हैं।